जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं जी आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं अभी बस ये वॉक के लिए निकला हुआ था, थोड़ा तो आया हूँ यहाँ पे। एक जो है शादी का फंक्शन, उसकी अरेंजमेंट्स जो है वो स्टार्ट है, वो चल रही हैं, तो सोचा यार आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए कि दुबई के अंदर कैसे इन लोगों की शादियाँ होती हैं। नॉर्मली वैसे तो बड़े अच्छे होटल्स के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ रसल खेमा के अंदर जहाँ पे मैं हूँ, इस तरह का भी फंक्शन होता है आउटडोर फंक्शन। इंडोर का तो मुझे कुछ ऐसे कुछ आइडिया नहीं, आप लोगों को मतलब यूट्यूब के अंदर कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, देखेंगे आप वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। लेकिन आउटडोर के अंदर इनका कैसा सेटअप होता है वो उसका थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। आप मेरे बिल्कुल बैक के ऊपर जो है वो देख सकते हैं, ये सारे जितने भी ये सोफ़ास हैं ये लगे हुए हैं, और ये कुछ टेबल्स हैं उनके सिटिंग के लिए। ये बिल्कुल मेरे जो एज पीछे बैक साइड भी है, यहाँ पर ये सारे सोफ़ास लगे हैं। पीछे इनके जो शेख हैं उन सबकी फ़ोटोज़ हैं, और ये बड़ा यहाँ पे जी एक सिस्टम सा लगा हुआ है, बड़े बड़े से स्पीकर्स हैं, साथ साउंड सिस्टम है इनका। वो बिल्कुल जो पीछे बैक पे आप देख रहे हैं जी, वहाँ पे वो कैमरा मैन है, वो अपनी सेटिंग्स कर रहा है। यहाँ पे इनका जो है ये डीजे सिस्टम बैठा हुआ है सारा। तो अभी इनका जो फंक्शन स्टार्ट होगा वो थोड़ा लेट ही होगा, मगरिब के बाद, उस टाइम ज़रा रात हो जाएगी। अभी दिन का टाइम है, तो दिन के टाइम में ज़रा व्यू बड़ा अच्छा सा आता है। अभी तो आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ इनका ये सेटअप है। अभी जब फंक्शन स्टार्ट होगा तो कोशिश करूँगा कि उसको भी कैप्चर करने की, कि वो भी कुछ वीडियोस जो है वो कैप्चर करके आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे जो है ना, अभी रात हो चुकी है, मगरिब के बाद का टाइम हो गया है, थोड़ी सी भूख लग रही थी। यहाँ पर गया, इनका जो अरेबिक शावरमा है वो भी खाया मैंने, बीफ शावरमा। तो अभी मैं रोड की दूसरी तरफ खड़ा हुआ हूँ, तो रोड के जो दूसरी तरफ है उन लोगों का जो सेटअप है वो अभी तक बस रेडी हो रहे हैं। मेहमान आना उनके शुरू हो गए हैं, कुछ लोग आके बैठे हुए हैं, कैमरा मैन जो हैं वो अपने कैमराज को सेट कर रहे हैं, और बाकी सब अरेंजमेंट्स हो गई हैं। रोड पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारी अभी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है, और वो पीछे जो है ना बिल्कुल लास्ट पे बैक साइड पे वहाँ पे वो सेटिंग्स हैं अभी उनकी, वो स्टार्ट है, तो वो दिखाता हूँ मैं। थोड़ी रोड क्रॉस करेंगे, एकदम से गाड़ी आ रही है, तो ये अपोजिट साइड पर आप देख रहे हैं जिनके जो है ना वो गेस्ट आ रहे हैं सारे। तो यहाँ से हम लोग रोड क्रॉस करेंगे, देखेंगे, दिखाते हैं। लाइट्स वगैरह सारी इनकी ऑन हो चुकी हैं, ये सारे इनके गेस्ट हैं। इनमें एक बात बड़ी अच्छी होती है कि सबके जो ड्रेसेस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, कोई एक दूसरे में फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल सेम है। ये देखें जी कैसा ज़बरदस्त इनका सेटअप है, आउटडोर है, वेदर बड़ा मज़े का है। ये टेबल के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा जी, पानी के छोटे छोटे से पैकेट्स हैं, बोतल्स हैं वो, जो कि यहाँ पे सर्व किया जाता है इस तरह से। जो नॉर्मली यहाँ पे लोग होते हैं बिरौने मुल्क में, जो गल्फ में होते हैं, उनको ज़्यादा आइडिया कि हाँ ऐसे ही है। यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे, ये कुछ माइक्स इन लोगों ने लगाए हुए हैं, तो सोच रहे होंगे कि यार ये किस लिए है। और वो जो पीछे हमारे एक भाई आ रहा है जिसने जो है वो एक कुछ बेल्ट टाइप सा कुछ लगाया हुआ है, ये बेसिकली है इधर सर्व करने के लिए, कि जो मेहमान आए जाते हैं तो उनको जो है ना वो सबसे पहले कि ये कावा यहाँ पे सर्व करते हैं, और उसके बाद फिर ये जो माइक है यहाँ पे, इन लोगों का एक स्पेशल सा एक डांस होता है जो बाद में वो किया जाएगा। अभी ये कुछ मेहमान जो हैं वो इस साइड पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ये जो दरमियान में आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनके हाथ में एक स्टिक सी है, ये स्टिक पकड़ के जो है इससे ये डांस करते हैं ये लोग। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये इनके पास आप देख रहे होंगे एक स्टिक सी है, वो बैक पे जो है ना इनका टेबल है कावा का जो सर्व करने के लिए। ओके जी, अब दिखाता हूँ जैसे फंक्शन स्टार्ट होता है तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं। जी नाज़रीन, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना ये सब लोग अपनी लाइन में आ गए हैं माइक के सामने, तो यहाँ पे ये लोग कुछ परफॉर्म करेंगे, अभी बस स्टार्ट होने वाला ही है। और ये जो दरमियान में आप देख रहे हैं इनके पास जो है ना ये ढोलक सी है, ये देख रहे हैं आप, ये अभी इनका पता नहीं है किस तरह का साउंड होता है या क्या करते हैं, किस तरह इन्जॉयमेंट करते हैं, दिखाते हैं। बहरहाल ये बिल्कुल अपोजिट भी जो है, यहाँ पे भी लोग, एक टीम वहाँ पे खड़ी होगी और एक टीम जो है ना वो लेफ्ट साइड पे अपोजिट है, दो टीम्स हैं। तो अभी देखते हैं जी इनका क्या सीन स्टार्ट होता है, वो आपको साथ साथ दिखाते हैं हम लोग। फोटोग्राफर साहब यहाँ पर जो है ना वो फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहे हैं इनकी। लो जी स्टार्ट हो गया,
वैसे जी इनका डांस है, ये सारे दिन की इन्जॉयमेंट है। सेम लाइक यहाँ पे भी ये देखें, ये इनका डांस है बस। अभी थोड़ा सा तेज होगा, अभी आहिस्ता आहिस्ता। ये अब क्या कह रहे हैं जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, आप खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर समझ आती है तो। आई होप सो कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे जी सब इस चीज़ को, इस फंक्शन को। तो बड़ा सिंपल सा एक फंक्शन है, ये लोग लगता था कि नवे फिर शुरू हो गए हैं। जी ले जी, अब जरा थोड़ा सा ना डिफरेंट स्टार्ट हो गया सिस्टम। पता नहीं नाजरीन ये क्या कह रहे हैं जी, कुछ गाइस समझ नहीं आ रही, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा है। इंजॉय करें जी आप लोग भी साथ साथ। जितने भी इनके गेस्ट आए हुए थे ना, वो सब ही यहाँ से उठ गए हुए हैं। यहाँ पे वो देखें, बस एक ही वो बैठे हुए हैं, बाकी तो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो हैं वो सब यहाँ से उठ के तो सब यहाँ पे आ गए हुए हैं। सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी इसमें, ये जो भी इनका एक इवेंट को एंजॉय करने का एक तरीका कर रहे हैं। ये ढोल बड़ा जबरदस्त है जी इनका, बिल्कुल एक डिफरेंट सा, जैसे पाकिस्तान में है वो डिफरेंट स्टाइल का है, एक भंगड़ा स्टाइल। इंडिया में, पंजाब में, वहाँ पे भी भंगड़ा स्टाइल है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सा है, लेकिन मजे का है। ये जितनी स्पीड में ये लोग डांस कर रहे हैं ना, ये स्पीड के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। ये भी है जी साथ में, ये भी कुछ
पता नहीं जी अब कब कितनी देर तक चलना है। बहरहाल जी मैं तो लगा हुआ वीडियो को कंटिन्यू किया हुआ है कि अभी इनका कुछ पता नहीं है कि इसके बाद क्या होना है। ये लोग तो तब से वैसे लगे हुए जो राइट भी है। यकीन करें जो कुछ भी समझ नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रही, बस मजा आ रहा है, एंजॉय करें। वैसे जितनी इन लोगों ने सिटिंग प्लान अपना किया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली जो है लोग तो इतने अभी नहीं आए जी। सोफाज इतने ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी जगह है, बहुत ज़्यादा सोफाज हैं, इतने लोग तो आए नहीं हुए, यही टोटल लोग लग रहे हैं जो खड़े हैं यहाँ पे। जी एक्सचेंज हो गया बंदा ढोल वाला, वो लेफ्ट साइड पे हमने देख रहे हैं नया जवान आ गया है। ये कितनी देर तक चल रहे हैं, ये ऐसे लगे रहेंगे कितनी देर तक लगे रहेंगे। हाँ अच्छा थोड़ी देर रुक के फिर शुरू कर देंगे। ये इवेंट के अंदर जो है ना साउंड सिस्टम इनके है, तो ये इनसे थोड़ा पूछा कि यार कब तक लगे रहेंगे, मुझे तो कितनी देर हो गई वीडियो बनाते हुए, तो ये तो बस लगे हुए हैं जी। वो कहते हैं कि ये थोड़ी देर बैठेंगे उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे। तो आई थिंक सो कि बस यही है, इसके अलावा तो फर्दर और कुछ भी नहीं है। होप सो यू गाइस एंजॉयड दिस इवेंट। तो अगर कुछ नया होगा तो मैं अभी इधर ही हूँ, तो उसको भी इंशाल्लाह कैप्चर करके आपको ज़रूर दिखाता हूँ मैं। सो चलें जब तक ये स्टॉप नहीं होता तब तक कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कितनी देर तक होती हैं जी, कब तक थकते हैं ये लोग।
वैसे बड़ा गौर कर रहा हूँ नाजरीन, क्योंकि समझ आए क्या 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 रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। अगर किसी को पता तो यार काइंडली मुझे ज़रा ट्रांसलेट तो कीजिए कि यार ये क्या कह रहे हैं ये लोग। अगर किसी को पता हो तो वो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे लाजमी बताएं कि ये क्या कह रहे हैं, ताकि पता तो चले कि ये किस तरह इन्जॉय कर रहे हैं, क्या क्या रहे हैं ये लोग। ये दरमियान वाले सही हैं, ये कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। अभी एक वर्ड की समझ आई है या शेख कुछ इस तरह की वर्ड समझ आई है, बस और कुछ समझ नहीं आई। ये हाँ दूसरी भी समझ आई है, कैफ आलिक या शेख कैफ आलिक कैसे हो। जी ये स्टॉप हो गया इनका फंक्शन, अभी ये सब लोग आके बैठेंगे, कोई कावा शावा पियेंगे, चाय पानी, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे। बाबा जी जो है ना चनकने चेक कर रहे हैं सही बज रहे हैं कि नहीं। तो बस ये सब लोग अब बैठ रहे हैं जी अपने अपने नशिस्तों पे, अपनी अपनी सीट्स पे। यहाँ पे ये सब लोग आके सोफ़ास के ऊपर अब थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, और उसके बाद फिर से दोबारा से यही वाला सीन एक स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप सो कि मुझे यहीं पे स्टॉप इसको करना चाहिए, कि फर्दर कुछ ऐसा न्यू नहीं है। और लेट मी सर्च कि अगर कुछ न्यू है तो आई विल कंटिन्यू। ओके गाइज, होप सो यू गाइज डिड लोड एंजॉय। ओके इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।